तो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 26 जनवरी 2021, और सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भी आईपीएल को लेकर, आईपीएल ऑक्शन को लेकर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर हमारे सामने बहुत बड़ी खबरें निकल के आई हैं। और एमएस धोनी ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको बताऊँगा कि क्या है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट, और एक और ट्रेड जो हमें देखने को मिल चुका है ट्रेड विंडो में, आपको उस ट्रेड के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एमएस धोनी ने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। एमएस धोनी ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया है वो दिया है एस श्रीशांत को लेकर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एस श्रीशांत ने जो अपना नाम आईपीएल ऑक्शन के लिए दे दिया है, तो सीएसके की टीम उन पर बिडिंग करेगी। और ट्रेड जो वो हमें सीएसके के साथ क्रिस लिन का देखने को मिल चुका है। 2 करोड़ रुपए में मुंबई ने सीएसके के साथ क्रिस लिन का ट्रेड किया है। और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर खबर आई है कि उसका फाइनल हमें 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगा। और जो चौथी बड़ी खबर आई है वो आई है रविंद्र जडेजा की तरफ से। वो 2 टेस्ट से बाहर हैं और उनकी चोट के चलते, और जो उन बाकी ट्रेड विंडो में नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओशेन थॉमस, जिन पे भी सीएसके की टीम काफ़ी बेटिंग करती हुई दिखेगी। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू गाइस।